नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता चल रहा है, उस राजनीतिक अस्थिरता के बीच में हमें एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, फ्लोर टेस्ट, अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव। तो फ्लोर टेस्ट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर किस प्रकार से है, क्या कहता है संवैधानिक प्रावधान, पूरा फुल ब्रीफ में आज हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ना सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बल्कि व्यक्तिगत तौर पे भी हमें ये जानना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ये जानने के लिए कि आखिर फ्लोर टेस्ट होता क्या है। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, अगर आप घर बैठे CGPSC की तैयारी करना चाहते हो बेहतर कंटेंट के साथ, तो हमारे मोबाइल कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। अभी 1500 बच्चों तक के लिए 25% डिस्काउंट है। पहले तो 1000 बच्चों के लिए ही था, लेकिन 1000 बच्चों के परचेस करने के बाद बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि कुछ दिन और छूट दिया जाए, तो उसके बाद 500 बच्चों तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। जल्दी से आप चाहें तो इसको परचेस करके 4200 की जगह सिर्फ 3150 रुपये में CGPSC प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आराम से आप परचेस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी चाहो तो आप हमारे मोबाइल कोर्स को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या हमारी वेबसाइट competitioncommunity.com पर विजिट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो घर बैठे हमारे इस CGPSC मेंस प्रोग्राम से जुड़कर मेंस की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल मुफ्त में है, YouTube के माध्यम से और हमारी वेबसाइट के डिस्कशन कम्युनिटी के माध्यम से। यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो एनालिसिस। कैसे जुड़ना है, YouTube पे वीडियोस बने हुए हैं, जाइए देखिए। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। एक बात और आप लोगों से कहना था, कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने जो आदेश जारी किया उसके हिसाब से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 मार्च तक के लिए बंद है और जो आपका मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा था ऑफलाइन, उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि हम लोग ऑफलाइन ही देना चाहते हैं, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक पल के लिए छोड़ दीजिए सरकार का आदेश, एक पल के लिए छोड़ दीजिए कोचिंग प्रबंधन का आदेश। आपके स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ख्याल रखें। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इस सफ़र में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की जब तक आप तैयारी कर रहे हो, हेल्थ बहुत मायने रखता है। आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, एक बार ब्रेक हो जाता है तो वापस से वो फ्लो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो खुद के लिए आप घर बैठे इस मेंस टेस्ट को दीजिए, करना कुछ नहीं है, वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कीजिए, लिखिए, वापस अपलोड कर दीजिए, कॉपी हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे पहले किया करते थे। तो बस फर्क इतना है कि आप यहाँ बैठकर पेपर ना दे रहे हो बल्कि घर में दे रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से अस्थिरता है, उसके बीच में हमें कुछ शब्द बार बार सुनने को मिल रहे थे, फ्लोर टेस्ट, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। अभी हमको पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद विपक्ष की तरफ से ऐसा कहा जाने लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक में जो 22 विधायक थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा राज्य विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया। उसके बाद जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत में है, यानी कि उसके पास बहुमत नहीं है। चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को भी संदेश दिया गया कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, इसलिए फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, यानी कि विश्वास प्रस्ताव सरकार लेकर आए सदन में। उसके बाद आपका 15 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने एक आदेश जारी किया सरकार को कि आप 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट करवाएं, यानी कि विश्वास प्रस्ताव लेकर आए सदन में। हालांकि विश्वास प्रस्ताव सदन में नहीं आया, फिर एक आदेश जारी हुआ, उस आदेश पर भी सदन में विश्वास प्रस्ताव नहीं आया। फिर जो विपक्ष थी भारतीय जनता पार्टी वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं फैसला चल रहा है, फाइनल डिसीज़न अभी नहीं आया। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले भी डिसीज़न दे चुका है अलग अलग राज्यों के मामले में, जैसे महाराष्ट्र में
हाल ही में जो 2019 में इलेक्शन हुआ था उसमें भी फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है विश्वास प्रस्ताव लाने का। कर्नाटक में भी 2018 में ही विश्वास प्रस्ताव लाने की बात सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। तो इस तरह से ये तो था बैकग्राउंड की मध्य प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार से अस्थिरता चल रहा है। अब हम लोग जो आज एनालिसिस का हमारा जो मेन पार्ट था, बहुमत परीक्षण, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, फ्लोर टेस्ट कितने प्रकार से होता है, हम लोग ये जानने वाले थे। सबसे पहले समझिए कि बहुमत परीक्षण क्या होता है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल को समझिए। 75 केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद से संबंधित है और 64 राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 75 में कहा जाता है जो केंद्र का मंत्रिपरिषद है वो जवाबदेह होगा संसद के प्रति, और 164 में कहा जाता है कि जो राज्य का मंत्रिपरिषद है वो जवाबदेह होगा राज्य विधानसभा के प्रति। जवाबदेह होगा का मतलब ये हो गया कि आपके पास में बहुमत है, आपके पास में मेजोरिटी है तो आपकी सरकार होगी, और अगर आपके पास में मेजोरिटी नहीं है तो आपके मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। सिंपल शब्दों में कहें अगर बहुमत परीक्षण को आपको समझना है तो ये हुआ कि सरकार जब तक है उसके पास में बहुमत है तब तक सरकार है। अगर वो बहुमत खो देती है या फिर ऐसा संदेश मिल जाता है राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास में बहुमत नहीं है, तो बहुमत परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं बहुमत परीक्षण जो है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको हम लोग विश्वास प्रस्ताव भी कहते हैं, और दूसरा हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसे हम लोग अविश्वास प्रस्ताव भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आपने सुना होगा कि जो मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव लाओ अगर विपक्ष को लगता है, सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष को लगता है कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। लेकिन विपक्ष चाहता है कि विश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाए, जो सरकार है वो अल्पमत में है इसलिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाए। तो ऐसा विपक्ष की तरफ से क्यों कहा जा रहा है विश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और ऐसा सरकार की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए, हम लोग आगे जानेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विश्वास प्रस्ताव दो प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला विश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो जब नया नया राज्य में या केंद्र में चुनाव होता है तो उसके बाद अगर राज्य की मैं बात करूं तो राज्य में राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इस पार्टी के पास में बहुमत है, यानी कि जनता ने इसको बहुमत दिया है, तो आमंत्रित करती है राज्यपाल उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए। सरकार बन जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन हो जाता है, मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद राज्यपाल के आदेश के बाद उस सरकार को विश्वास प्रस्ताव लेकर आना होता है सदन में। तो जब विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार रहती है, और अगर विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है, यानी कि उसको इस्तीफा देना होता है। तो जब भी नई सरकार बनती है तो उसको विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है सदन में। दूसरा विश्वास प्रस्ताव तब प्रस्तुत किया जाता है कि जब ऐसा संज्ञान प्राप्त हो या फिर ऐसा संदेश प्राप्त हो कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास में बहुमत नहीं है, आंकड़े नहीं हैं, वो अल्पमत में आ चुकी है, तो राज्यपाल आदेश जारी करते हैं कि आप सदन में विश्वास प्रस्ताव लेकर आएं, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा। राज्यपाल लालजी टंडन ने आदेश जारी किया सरकार को कि आप विश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में लेकर आइए। तो यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव के मामले में एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि जिसकी सरकार होती है उसको लेकर जाना होता है सदन में। अब सवाल ये उठता है कि विश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, सदन की कार्यवाही उस दिन संचालित होती है, विश्वास प्रस्ताव का पूरा संचालन जो है वो स्पीकर द्वारा किया जाता है, वहाँ पर ध्वनि मत से वोटिंग होता है, ध्वनि मत से नहीं तो रिकॉर्डेड भी वोटिंग हो सकता है। उस वोटिंग के बाद अगर सरकार को विश्वास हासिल हो गया, बहुमत हासिल हो गया तो सरकार बच जाती है, और अगर विश्वास प्रस्ताव फेल हो गया यानी कि उसको मेजोरिटी नहीं मिला तो सरकार को इस्तीफा देना होता है मंत्रिपरिषद के साथ। तो ये होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास प्रस्ताव, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से लाया जाता है यानी कि सरकार की तरफ से लाया जाता है।
अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी पार्टियों की तरफ से लाया जाता है या विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा सदन में लाया जा सकता है। जब सदन में ऐसा संज्ञान प्राप्त हो विपक्षी दल या किसी सदस्य को कि जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जन आक्रोश है या उसके खिलाफ जो सदन के सदस्य हैं उनमें बहुत गुस्सा है, और अगर मैं अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाता हूँ तो जो बहुत सारे इनके मेंबर हैं वो भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेंगे तो सरकार गिर सकती है। ये जरूरी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अल्पमत होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जब सदस्यों में गुस्सा हो या फिर जन आक्रोश हो सरकार के खिलाफ तो भी अविश्वास प्रस्ताव सदस्य लेकर आ सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक केंद्र सरकार का एग्जाम्पल दे दूँ तो जो हमारी अभी प्रेजेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट है पहले टर्म्स में, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कई बार जो है सरकार को दबाने और डराने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है कि जन आक्रोश है, सदस्य इनके जो है इन्हीं से नाराज हैं, तो आप ऐसा समझ लो कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार देते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार को डराने के लिए भी लाया जाता है, दबाने के लिए भी लाया जाता है। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, अगर सरकार के खिलाफ में वोटिंग हो गई तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी और विश्वास प्रस्ताव अगर फेल हो गया तो भी सरकार गिर जाएगी, दोनों ही कंडीशन में। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए और ये आपके राज्य मंत्रिपरिषद के लिए, दोनों जवाबदेह होते हैं, दोनों ही बहुमत परीक्षण होता है, विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव, और दोनों ही कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, विश्वास प्रस्ताव अगर फेल हो गया तो सरकार को यहाँ पर इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव अगर समझ गए हैं तो इनके बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला डिफरेंस तो मैं बता चुका हूँ कि विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की पार्टियाँ द्वारा लाया जाता है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंस देख लीजिए, जैसे दोनों ही प्रस्ताव संसद प्रक्रिया के अंग हैं जिनके तहत सदन में सरकार के बहुमत को जांचा जाता है। मैं बोल चुका हूँ पहले ही आपको, सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है जबकि विश्वास प्रस्ताव अपना ही बहुमत दिखाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा लाया जाता है, और किन्हीं भी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल सरकार से सदन में विश्वास मत अर्जित करने के लिए कह सकते हैं। जब जैसे मैंने बोला मध्य प्रदेश के केसेस में कि कभी भी उनको लगता है कि ये अल्पमत में है तो आदेश जारी कर सकते हैं, इसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस और देख लीजिए कि यदि सरकार को विश्वास मत जीत जाती है तो उसके 15 दिन के बाद विपक्ष फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर सरकार के खिलाफ आ सकती है। संसदीय प्रावधान में यह भी कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव एक बार लाने के बाद दोबारा अविश्वास प्रस्ताव जो है 6 महीने बाद ही लाया जा सकता है। यहाँ पर अगर कुछ और डिफरेंस देखो तो सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार को वहाँ पर इस्तीफा देना होता है, और अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में पास हो गया तो भी सरकार को वहाँ पर इस्तीफा देना होता है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इसका प्रावधान किया कहा गया है, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव का क्या प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, तो इसका जवाब है नहीं। नहीं का मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में कहीं भी विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर इसका उल्लेख है कहाँ। तो दो अनुच्छेद यहाँ पर समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 208 और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 में प्रक्रिया के नियम बनाया गया है जो लोकसभा का सदन होता है उसके लिए, और आर्टिकल 208 के तहत प्रक्रिया का नियम बताया गया है जो विधानसभा होते हैं उसके लिए। यहीं पर जो है आपका अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया गया है। प्रक्रिया की जो नियम बनती है, सपोज समझ लीजिए कि लोकसभा में
लोकसभा के सदन को चलाने के लिए जो नियम बनेगा वो आर्टिकल 118 के तहत में बनेगा, और उसी नियम में, नियम 198 में जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया गया है। अब राज्यों में, हर राज्य में अलग अलग विधानसभा हैं और हर राज्य के विधानसभा में अलग अलग प्रक्रिया के नियम हैं, उसी प्रक्रिया के तहत में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो क्यों चाहती है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, और जो विपक्ष है वो क्यों चाहती है कि सरकार जो है वो विश्वास प्रस्ताव सदन में लेकर आए। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव राज्यपाल या फिर केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा आदेश दिया जाता है, और जिस दिन आदेश दिया जाता है और जो तारीख निर्धारित होती है उस दिन सरकार को विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव में अगर कोई विपक्ष का सदस्य और अगर कोई विपक्ष की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है तो सबसे पहले लिखित रूप से सदन के अध्यक्ष को सौंपेगी। उसके बाद सदन के अध्यक्ष के ऊपर ये डिपेंड करता है, जब सदन का सत्र चल रहा हो तो वो किस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आमंत्रित कर सकती है या फिर अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर सदन के अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके 10 दिन के अंदर में चर्चा हो सकता है सदन में। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव में जो पूरा अगर अधिकार बोले और पूरा जो अंतिम फैसला होता है वो सदन के अध्यक्ष का होता है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव में, यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव के लिए पूरा जो जिम्मेदारी है राज्यपाल की तरफ से आदेश जारी किया जाता है। हालांकि विश्वास प्रस्ताव का जो संचालन होता है उस सदन के अंदर स्पीकर ही करते हैं, लेकिन आदेश अमूमन जो है राज्यों के लिए राज्यपाल द्वारा ही जारी किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में यहाँ पर सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए टाइम मिल जाता है। कैसे टाइम मिल जाता है? पहले तो स्पीकर के पास में अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद में चर्चा का समय तय होगा, तो उस बीच में बहुत सारा टाइम मिल जाता है अविश्वास प्रस्ताव में कि सरकार अपनी सरकार बचा ले। लेकिन विश्वास प्रस्ताव में तुरंत ही जिस डेट पे उसको विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो बहुत जल्दबाजी में प्रक्रिया हो जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि विपक्ष की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, और जो विपक्ष की पार्टी है वो चाहती है कि विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए सदन में। तो पूरा खेल जो है आप यहाँ पर सरल शब्दों में कह सकते हो टाइम का है। अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को अपनी सरकार बचाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम मिल सकता है, और विश्वास प्रस्ताव में जो डेट तय हो गया उसी दिन सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। तो ये पूरा मामला था फ्लोर टेस्ट का। फ्लोर टेस्ट दो प्रकार से होता है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। सरकार को जब भी बहुमत परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता है तो दोनों में से किसी एक से होकर गुजरना होगा, विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जितने मैंने आर्टिकल्स बताए, हालांकि मैंने ये भी बताया कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशंस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये प्रक्रिया के नियम में उल्लेख किए गए हैं। लोकसभा में अलग प्रक्रिया के नियम में उल्लेख है, राज्यों के विधानसभाओं में अलग प्रक्रिया के नियम में उल्लेख है। तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस पाने के लिए या फिर जो हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं वो सब का नोटिफिकेशन पाने के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे कॉम्पिटिशन कम्युनिटी भी सर्च करेंगे तो वहाँ से जुड़ सकते हो। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।